आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जो लोग नए नए मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो, तो चलो मैं आप गाड़ी में जाता हूँ और गाड़ी में जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसा वीडियो आता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। तो मैं आज आ गया हूँ आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जो लोग नए नए मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो कम बजट में, तो ये वाला सेटअप आप लोग देखो, आप लोगों का शायद एक 1000 में हो जाएगा आपका ये सेटअप। तो ठीक है, चलो वीडियो को देखते रहो, मैं आप सबको बता रहा हूँ कि कौन कितना खर्चा गिरा है, ये वाला, तो सब देखते रहो वीडियो में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कैमरामैन जल्दी इधर फोकस करो, आ जाओ। तो मेरा ये वाला हेलमेट है स्टील बार्ट रोबोट का SBA 3। तो आप लोग मोटो ब्लॉगिंग के लिए अगर हेलमेट लेना तो जरूर से फुल फेस हेलमेट लेना, क्योंकि आप लोगों का इधर माउंट लगाना पड़ता है, ठीक है। और एक बात संभाल के एकदम देख के लेना कि साइड में जो रिमूवल पैड है वो वाला जरूर चाहिए, क्योंकि आप लोगों का हेडफोन का जितना वायर बचेगा इधर अंदर लगाने के लिए। तो ठीक है, तो मेरा ये हेलमेट है, ये देखो स्विच वाला। आप लोग अगर लेना तो स्विच वाला नहीं लेना, क्योंकि मेरा बहुत दिक्कत होता है, ये वाला स्टॉप ठीक से नहीं लगता है और ये वाला नहीं बंद होता है, ठीक है, तो देख के ही लेना। तो मेरे पास है, और ये देसी जुगाड़ है ये हेडफोन का वायर। तो आप लोग का भी कम बजट में अगर घर में कोई ऐसा रिमूवल वाला जो वायर होता है हेडफोन का, तो ये वाला ले लेना, इसमें भी आपका आ जाएगा। और उसके बाद है मेरे पास ये वाला माउंट और ये वाला मोबाइल होल्डर। तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं फ्लिपकार्ट से वाला ख़रीदा हूँ। ये पड़ा है मेरा 500 का पड़ा है, ठीक है, और ये वाला मैं अलग से लिया हूँ, तो ये पड़ा है 150 का। तो अभी मैं आप लोगों को सेटअप करके दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को देखो कैसे सेटअप करता हूँ। उसके बाद आप लोगों का एक राइडिंग करके भी दिखाऊंगा कि कैसे वीडियो आता है। अब मेरे पास है ओप्पो F19 Pro। अब आप लोगों का मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग चाहिए तो अल्ट्रा वाइड कैमरा जरूर लेना, इससे लो बजट के भी लेना, इससे हाई बजट के लिए कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्ट्रा वाइड आप लोगों को जरूर चाहिए। तो चलो वीडियो को देखो मैं कैसे ये वाला सेटिंग करता हूँ, तो तब तक वीडियो में बने रहो, देखते रहो, बताओ कि आप लोगों को कैसे वाला सेटअप होता है। तो वाला मेरा स्विच वाला है, तो इसको देखो ओपन हो गया, तो अब इसको लगाता हूँ, तो क्योंकि आपका खुला हुआ ही आएगा तो आपका ऐसे लगाना पड़ेगा। देखो सामने आ जाओ कैमरामैन, ये देखो इसको ऐसे, उसके बाद इसको पूरा खोलना पड़ेगा। इसको टाइट करना पड़ेगा, देखो ये आप बाद में भी लगा सकते हो, और पहले में भी, मैं पहले लगा लेता हूँ उसके बाद। ये देखो एकदम आसानी से सेटअप है, एक बार देख लेना तो सब हो जाएगा। पहले एक लगा लेना, उसके बाद दूसरा भी आसानी से हो जाएगा, पहले वाला थोड़ा दिक्कत होता है। देखो एक लग गया, अरे इधर आओ, इधर सामने से दिखाओ, देखो इसका ये वाला ऐसा ही रहता है। तो देखो पूरा हो गया सेटअप ऐसा। उसके बाद मैं इधर मोबाइल फिटिंग करूंगा और माइक लगाऊंगा, तो देखो मोबाइल कैसे फिटिंग करता हूँ और माइक कैसे लगाता हूँ। गाइस देखो कि मैं कैसे मोबाइल फिटिंग कर रहा हूँ, इधर आ, तो देखो कैसे पहले इस तरह से मोबाइल फिटिंग कर लूँगा, उसके बाद ये मेरा माइक, तो ये वाला सामने ही रहेगा, ये नीचे से चला गया और माइक मेरा इधर ही रहेगा, जिस साइड लगा सकते हो इस साइड भी मेरा आ जाएगा, ठीक है। जितना बचा है सबको ऐसे इसके अंदर ये वाला खुलेगा, ठीक है, पूरा खोल लेना, तुम्हारे पास अगर ऐसा हेलमेट रहेगा तो। तो देखो मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया, देखो कैसा लग रहा है गाइस, जरूर से जरूर कमेंट में बताना। चलो अभी थोड़ा राइडिंग करके दिखाता हूँ कि ऐसे लगता है, आ जाओ। तो गाइस व्यू देख लो, पहले मैं जिधर वीडियो करने आया हूँ तो व्यू देख लो कैसे लग रहा है, इधर का व्यू देखो। और ये है वो हमारा कैमरामैन जो फोकस कर रहा था इतने टाइम से, मेरा बाइक। तो चलो मिलते हैं बाइक पर, आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे बनता है मोबाइल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कैसे हुआ है। चलो
तो गाइस देखो, अभी मेरा और एक दोस्त आ गया है MT-15 लेकर। ये है वो भाई, और ये मेरा कैमरा मैन जो फोकस कर रहा था। और भाई का देख लो MT-15, देख लो भाई, इसका नाम है MT-White Panther। तो आप लोग इसको इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना और यूट्यूब में भी इसको सब्सक्राइब कर देना। भाई बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है? तो भाई का चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। तो चलो मैं आप गाड़ी में जाता हूँ और गाड़ी में जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसा वीडियो आता है। तो वीडियो में बने रहो, इन तक देखते रहो। चलो तो चलो गाइस, अभी आ गया हूँ रोड पे। तो देखो वीडियो कैसा आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताना, अगर कोई दिक्कत है तो वो भी बताना। तो वीडियो में देखते रहो कि कैसा सेटअप आ रहा है। तो सामने बड़ा आएगा एक लंबा रोड, तो इधर थोड़ा खींचूंगा तो आप लोग देखना कैसा आ रहा है, कैसा वॉइस आ रहा है वो भी बताना गाइस, क्योंकि देसी जुगाड़ है। आप सबको, आप सब ने जरूर से देखा होगा कि मेरा पहले वाला जो वीडियो है गाइस, उसमें भी देख लेना, मेरा ऐसे ही वीडियो है, यही सेटअप में ही सब वीडियो है। तो देखो गाइस, थोड़ा खींचाओ कैसा लग रहा है और साउंड भी कैसे आ रहा है वो भी बोलना। तो गाइस, जो लोग हमारा चैनल में नए हैं वो तो चैनल के जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जो प्रीवियस वाला वीडियो है उसको जाके जरूर से देखना, क्योंकि मेरा ऐसे भी टाइम नहीं मिलता है। सब भाई लोग बोलते हैं कि ज़्यादा वीडियो नहीं आ रहा है, छोड़ छोड़ कर आ रहा है। तो भाई थोड़ा दिक्कत चल रहा है अभी, ठीक है? तो मैं कंटिन्यू यूट्यूब में आऊँगा, तो आप लोग ज़रूर से सपोर्ट करना, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये हमारा मोहल्ले का अंदर ही है, मोहल्ले से थोड़ा दूर गया था क्योंकि शांति से जगह चाहिए भाई ऐसा वीडियो बनाने के लिए। तो देखो गाइस, हमारा गैरेज पे सुपर बाइक है। तो गाइस, अभी घर पे आ गया हूँ, तो वीडियो इन कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से हमने चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।